ये रवि हाय बोलो ये माना जल्दी ये सोनी का दीदी और ये देखो मम्मी मम्मी जी रेस्ट कर रही है एडिटिंग हमने ससुराल आकर मम्मी एडिटिंग कर दो पहले मैं ताई जी का कमरा दिखाती हूँ ये ताई जी का रूम ताई जी ने आज कंबल नहीं उठाया ऐसे ही पड़ा हुआ है वे सोनी का दीदी सब्जी बना रही है और ये इनका रूम है देखो बिल्कुल साफ सुथरा बेड की चादर भी देखो कितने अच्छे से लगा रखे हैं इन्होंने हाँ जी ये देखिए इनका कमरा सोफे गाइस हाँ सोफे तो आपके कमरे में अच्छे लग रहे हैं जैसे हमने काउच वगैरह डाल रखा हाँ हाँ वही तो देखो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ ये डॉगी ये गांव का डॉगी है ओह माय गॉड गांव का डॉगी शहर का डॉगी में कुछ फर्क नहीं होता वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है देखिए मम्मी जी कितना अच्छा मौसम है फोन में तो बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा ये गांव का मौसम अच्छा लुक है ये गांव के पर्दे गांव के पर्दे गांव के पर्दे कोई अलग हो ये देखो गौ माता मैं अपने ससुराल आई हूँ गांव में देखो वाओ मतलब आसमान तो देखो वीर आसमान देखो आसमान कितना क्लियर देखो मम्मी जी क्लियरिटी कितनी अच्छी आ रही है आसमान की देखो कितनी अच्छी क्लियरिटी आ रही है आसमान की मतलब बादल देखो फ्लैग दिखाई दे रहा होगा आपको वाओ हमें तो दिखाई दे रहा है इधर तो चार चार आग लगा रहा है वीर तभी नहीं दिखाई दे रहा ये सोनी का दीदी की किचन किचन भी इन्होंने देखो कितने अच्छे से अरेंज करके रखी है हाँ ये देखो इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं ये क्या पड़ा वीर हाँ ये उड़ के नीचे गिर गया देखो ये वाला पेड़ अच्छा लगता है वैसे देखो फ्लैग ये शायद 15 अगस्त पे है ना 15 अगस्त पे लगाए थे ना तब से लगे हुए हैं और यहाँ से हम छत पे जा सकते हैं ऊपर ये आसमान तो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा हो रहा है मौसम यहाँ का कचरा ये देखो गौ माता और ये वीर ने ये वाला पेड़ मतलब फूल सहित विद फ्लावर ये किसी के पेड़ से तोड़ के लाया है कल ही लगाया इसने गुलाब का और ये ताई जी ने लगा रखा है कितना बड़ा हो रखा है देखो कितने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं और बीच में भी कहाँ बेच रहा देखो गाइस एक्चुअली ये वाला सूट मतलब येलो कलर बिल्कुल ऐसा है जैसे सरसों के खेत में खड़ी हूँ मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है बहुत अच्छा कलर लग रहा है इसका बिल्कुल येलो चटक अभी तो स्टोर रूम ही समझो और ये अंदर बाथरूम है और नीचे हम जा सकते हैं नीचे सीढ़ियाँ हैं शादी के फोटो ये शादी में तो इतनी पतली थी और अब देखो अब देखो आप इन्हें ये थोड़ी सी हेल्दी हो गई है इसको ओ नो ये पानी पी पी के इन्होंने अपना वेट गेन किया है ये इनका सीक्रेट है ये अभी दाल बना रही है कौन सी दाल बनाएंगे अभी अच्छा हूँ बस हो गया वैसे भूख तो लग नहीं रही अभी नहीं बना कर रखती हूँ आटा बनाऊंगी जो कम रहेगी ना फिर और बनाएंगे मैंने तो सोची नहीं वैसे भूख नहीं लगी अभी तो नाश्ता करा था माँ जी और बाबा जी दोनों ये छोटे वाले बाबा जी ये नारियल के पेड़ है क्या वीर है ये पेड़ नारियल के है क्या जो इधर लग रही है वाले पेड़
ये वाले नारियल के पेड़ है नहीं रोटेट हो गया भी आ गया वीडियो में स्टैंड पीछे लड़की बैठा दो आगे ड्राइवर पीछे कोई मतलब एक बार देखो ऐसे भी प्रशांत जब दी जब कहा जब मैं नोएडा रोती मैं मिलन गया था मतलब कुछ दिन रहा था 15-20 दिन मेरे पास ही रहा था वहाँ तो फिर से मैंने मोल वोल मंगवा था ये मेरा छोटी सी ना नहीं सावन ने किच्छा दिक्कत था वाले कोई सिलो ये रोबी दिखा दो मगर ताई जी खेत में साई कितना काम करके आई मेहनत करके आई यार क्या ले रहे आप तो गाइस ये फोटो देख रही हैं 2016 पुरानी आदत ताजे करते हुए ये देखना मम्मी किसी को अपनी आदत दिखाने नहीं चाह रही है कद के हैं ये तो बहुत ये पुराने फोटो देख रही हो कि कद की हैं तो ये तो दिवाली के सेक्टर 5 में दिवाली है पर डिलीट करे सारे ये देखो रसगुल्ले भी है सोने के इतने रसगुल्ले करके बने हुए दाल सलाद चाय भी है चाय ताई जी चाय भी है क्या देखती हूँ दाल कैसी बनी है प्लेट बहुत सारी खड़का रह गई दाल बढ़िया बन रही स्वाद टेस्टी चटपटी बन रही पूरी तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।